हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है हमारे और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने कमेंट किया, तो मैंने सोचा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो पूछते हैं कि ब्रदर, हम बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हम कैसे समझें। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया। यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आप बाइबल में जरूर आगे बढ़ेंगे और जो कुछ भी आप पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा। बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणी है, जितनी भी घटनाएं हैं, सब कुछ आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आप बने रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक मसीही, एक बिलीवर बाइबल क्यों पढ़ता है। आप इस वीडियो तक आए हैं तो आपकी रुचि है बाइबल पढ़ने की, आपकी इच्छा है बाइबल में आगे बढ़ने की, इसलिए आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं। देखिए, एक मसीही बाइबल इसलिए पढ़ता है ताकि उसकी आत्मिक उन्नत हो सके, वह परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सके और सबसे जरूरी बात कि वह सत्य को जान सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति सत्य को नहीं जानता है तब तक उसके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसके मन में संदेह बना होता है कि पता नहीं बाइबल सच है या झूठ, यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं, या फिर सभी लोग ईसाई यानी क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब इंसान के मन में संदेह आता रहता है, उसके मन में कोई ठहराव नहीं होता है। कब तक? जब तक वो परमेश्वर के वचन यानी बाइबल को ठीक तरीके से नहीं जानता है तब तक। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो कि बाइबल जो है ना, बाइबल सचमुच परमेश्वर का वचन है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इससे आप कुछ ना कुछ सीख कर ही निकलेंगे ताकि आपकी आत्मिक उन्नति और तेजी से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि बाइबल पढ़ने से पहले आप एक बार परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करें कि हे परमेश्वर, मैं जो कुछ भी पढ़ूं या फिर मैं जो कुछ भी सीख रहा हूं उसमें तू मेरी मदद कर, क्योंकि मैं तेरी वचन की गहराई में डूबना चाहता हूं। तो हे परमेश्वर, तू मेरी मदद कर और तू मुझे अपने वचन में आगे बढ़ा। इस तरीके से आपको ज्यादा नहीं, बस 5 या 10 सेकंड तक आपको पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है। क्योंकि लूका 11:9 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यहाँ क्या मांगने की बात हो रही है? धन दौलत, रुपया पैसा? जी नहीं मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के ज्ञान मांगने का बात हो रहा है, परमेश्वर का बुद्धि मांगने का बात हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिसका उद्धार नहीं हुआ है उसके लिए पवित्र आत्मा मांगने का बात हो रहा है कि हे परमेश्वर, तू मेरे अंदर आ, तू मेरा मार्गदर्शन कर। वैसे परमेश्वर तो सबको देता है, जो विश्वासी हैं उनको भी और जो नहीं विश्वास करते हैं उनको भी। राजा सुलेमान चाहता तो परमेश्वर से धन दौलत और शोहरत मांग सकता था, लेकिन उसने क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर बड़ा है और उसने ही सारी सृष्टि को रचा है। यदि वो मेरे अंदर आ जाए तो मेरे पास धन दौलत भी हो जाएगा, शोहरत भी हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए सुलेमान ने सबसे पहले ज्ञान मांगा। तो मैं बता रहा था मेरे प्रियो कि सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना है और मांगना है कि हे परमेश्वर, तू अपने वचन में मुझे आगे बढ़ा, तब पवित्र आत्मा आपकी उसमें मदद करते हैं। योहन्ना 16:13 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यानी हम जो कुछ भी परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे उसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, हमें सिखाएंगे। 2 तिमोथी 3:16 में जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पौलुस कहते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो ये जो बाइबल आप अध्ययन करने जा रहे हैं, इसको लिखा तो है एक मनुष्य नहीं, लेकिन इसको लिखवाने वाला परमेश्वर है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बाइबल पढ़ें तो धीरे धीरे पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। जैसे लोग अखबार पढ़ते हैं ना, उस तरीके से बाइबल पढ़ने की आदत ना बनाएं। और बाइबल पढ़ने के बाद कुछ देर उसके बारे में चिंतन करें, उसके बारे में सोचें, क्योंकि बहुत से लोग जल्दबाजी में बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। इसलिए बाइबल को ठीक से समझने के लिए
जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। कभी कभी लोग टाइम टेबल बना लेते हैं बाइबल पढ़ने के लिए कि इस टाइम मुझे काम पर जाना है, इस टाइम मुझे बाइबल पढ़ना है। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से लोग अपना अलग अलग टाइम बांट लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह सही नहीं लगता है दोस्तों। अब आप टाइम टू टाइम काम करते हैं वो अलग की बात है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ना ही वो बाइबल टाइम से पढ़ पाता है और ना ही वो समय से अपना काम कर पाता है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो शाम को खाना ना खाकर सोता है और वो सोचता है कि मैं सुबह उठकर बाइबल पढ़ लूंगा, लेकिन ज्यों ही वो सुबह उठता है तो सोचता है कि चलो मैं शाम को बाइबल पढ़ लूंगा, तो वो जल्दी जल्दी में अपना ब्रश मंजन करता है, नहाता धोता है और खाना ना खा करके काम पर निकल जाता है। फिर जब शाम को 4 बजे अपने ऑफिस से घर पर आता है तो वो मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब में पढ़ करके अपना सारा टाइम व्यतीत कर देता है। उससे भी थोड़ा सा टाइम बचता है तो वो अपने बच्चों में या अपने परिवार में जो है घुल मिलकर वो सारा टाइम वेस्ट कर देता है। तो वो सोचता है कि चलो शाम को बाइबल पढ़ लेंगे, तो वो रोज की तरह शाम को भी खाना ना खाता है, बीवी के साथ कुछ बातचीत करता है और सो जाता है। फिर दूसरा दिन आ जाता है। देखिए भाई साहब, इस तरीके से तो आपका पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा और आप परमेश्वर के बारे में कभी भी जान नहीं पाएंगे। अगर आप रोज फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से 20% ज्यादा नहीं 20% अगर समय निकाल लेते हैं तो आप अच्छा खासा बाइबल स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको कोई समय की पाबंदी नहीं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम ऑफिस जाना है, इस टाइम बाइबल पढ़ना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे एप्स आ गए हैं जो कि आपको मोबाइल में ही मिल जाएंगे। चाहे आप इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, मराठी में, किसी भी भाषा में बाइबल खोजेंगे तो आपको मोबाइल में ही सब कुछ उपलब्ध मिल जाएगा। लेकिन आप तो केवल बहाना बनाते हैं। ये बहाने वाली बात जो है ना, ये इंसान को गलत पटरी पर ले जाती है। देखिए दोस्तों, इंसान को कोई भी काम करने का एक वजह होना चाहिए और वो वजह छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था और वो लड़का कहीं चला गया रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान में भैया पानी तो होता नहीं है। अब वो रेगिस्तान के रेत में कहीं खो गया। अब वो एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगा, मरने लगा कहा जाए तो। वो सोचने लगा कि कोई मुझे अगर एक बूंद पानी पिला दे तो मैं उसका जीवन भर गुलामी करूंगा। लेकिन फिर भी उसे कोई वहां पानी पिलाने वाला नहीं था। वह प्यास से तड़प रहा था कि अब मरे कि तब मरे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब उसके मन में एक सुझाव आया। जानते हैं क्या सुझाव ये आया? लैट्रिन। यानी जब उसको चारों ओर से कोई रास्ता नहीं दिखा, वो मरने के कागार पे था, तो वो सोचा कि मेरा लैट्रिन मेरे काम आ सकता है। उसने अपने लैट्रिन से अपना प्यास बुझाया। तो ये होती है वजह। आज आपके पास बाइबल पढ़ने की कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई वजह नहीं है, लेकिन जब आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा अकेले, तब आपको इस वजह का हकीकत पता चलेगा। आज आपके पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल स्टडी करने के लिए, लेकिन यही वजह जब बड़ा हो जाएगा तब इंसान लैटिन क्या, अपना खून भी पीने को तैयार हो जाएगा। ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे।